मेरी चैनल पे वैक्सीन के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि वैक्सीन लेनी ही चाहिए। तो एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने कहा, पापा वैक्सीन काम कैसे करती है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश और आज हम जानेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है। अगर आप जानेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है तो आपका डर कम हो जाएगा। तो ये जानने से पहले आप ये जानिए कि आपके शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो आपका शरीर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मिजल्स का इन्फेक्शन लगा, जिसको ओरी बोलते हैं, मिजल्स के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे को ओरी का इन्फेक्शन लगा तो वो वायरस आपके बच्चे के शरीर में घूमेगा। उस वायरस के शरीर के ऊपर रहे कुछ प्रोटीन्स को आपकी इम्यूनिटी पहचानेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और वो एंटीबॉडीज फिर उसके शरीर में जिंदगी भर रहती है। तो दोबारा जब वही वायरस आपके बच्चे के शरीर में फिर से आएगा तो वो एंटीबॉडीज उसको जल्दी से कंट्रोल कर लेगी और आपको दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो अब वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन में एक्चुअली हम वायरस को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। तो जब हम मीजल्स की वैक्सीन बनाते हैं तो मीजल्स के वायरस को आपके बच्चे के शरीर में डालते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब हम उस वायरस को उस कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में नहीं रखते। वायरस को केमिकल प्रोसेस से या दूसरी प्रोसेस से इतना निष्क्रिय बना दिया जाता है ताकि वो आपको इन्फेक्शन न दे सके। सिर्फ बोनस होगा, फायदा ही फायदा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो इनएक्टिव वायरस आपके बच्चे के शरीर के अंदर जाता है तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन नहीं देता, लेकिन उसके शरीर पे जो प्रोटीन रहे हैं उसको पहचान के आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी और आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये तो ऐसा हुआ कि आप नौकरी पे गए नहीं और आपको पगार मिल गई। इसमें बुरा क्या है, आपका फायदा ही फायदा है। बात तो सही है। ये मैंने वायरल डिजीज का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट भी वैक्सीन इसी तरह से बनाई जाती है। जैसे टीबी की वैक्सीन है, जैसे डिप्थेरिया की वैक्सीन है, जैसे निमोनिया की वैक्सीन है। और कई बार तो ये होता है कि पूरे वायरस या पूरे बैक्टीरिया को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस वायरस के छोटे से हिस्से को या बैक्टीरिया के छोटे से हिस्से से ही वैक्सीन बन जाती है। उससे आपको इन्फेक्शन नहीं लगता और आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। कुछ लोग वैक्सीन की साइड इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन वैक्सीन बहुत डिटेल में स्टडी हुई होती है, तो वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर और बहुत सारे मामलों में तो मामूली ही होती है। तो उसकी वजह से भी वैक्सीन नहीं लेने का कोई तुक नहीं बनता। थैंक यू। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो यही कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।